नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सोनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो मैं लेके आया हूं एक्सलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 का जो पेपर हुआ दोस्तों, आज जो पेपर हुआ है 30 अप्रैल 2024 को जो आज पेपर हुआ है उसका सॉल्व पेपर मैं लेकर के आया हूं दोस्तों। तो यहाँ जो पहला, इसमें मैं दो वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले भाग में जो है 1 से लेकर 80 क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, दूसरा वीडियो जस्ट इसके बाद में बना रहा हूँ तो 81 से लेकर 100 तक उसमें क्वेश्चन शामिल होंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत एग्जैक्ट जो है आपको आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर वो डी सेट है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन तो सभी सेट में समान है, सिर्फ क्वेश्चन का सीरियल नंबर आगे पीछे, तो आप जो है अपना पेपर निकाल लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन है वो उसके अनुसार आप जो है चिन्ह लगाते रहिए दोस्तों। यहाँ पर सीरियल नंबर का थोड़ा सा आगे पीछे है। तो दोस्तों आज का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त पेपर था दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर आया था। मैंने जो वीडियोज़ बनाए थे, जिसने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो लगभग वो दोस्तों 65 से 70 नंबर लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और यदि मेरे वीडियो के साथ साथ थोड़ी सी भी यदि उसने तैयारी की होगी और तो दोस्तों 80-85 नंबर लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे वीडियो से दोस्तों आपको बहुत लाभ मिला है, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो में से आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है दोस्तों, अच्छा पेपर आया था। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, इस वाक्य का जो प्रकार है वो किस प्रकार का था, तो विधानवाचक था दोस्तों। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है आप सकुशल होंगे, आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला है, धीरज का तत्सम शब्द है, यहाँ पर धैर्य है दोस्तों, तत्सम तद्भव भी मैंने आपको बताया था। नव नभ के नव बिहान वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया है और बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार, जिन्होंने ओल्ड पेपर सोच करके वीडियो को जो है नहीं देखा है तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को बी आंसर होगा यहाँ पर। यदि ये किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट्स करके जो है मेरे को आप बताएं दोस्तों, कमेंट्स करें। और कितने नंबर आपको मिल रहे हैं वो भी आप कमेंट्स करके बताएं, और मेरे वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई वो भी आप कमेंट्स करके मुझे बताएं दोस्तों। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रकाशित में जो है प्रकाश उपसर्ग हो गया और इत जो है यहाँ पर प्रत्यय है दोस्तों, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी आपको बताना है, ऐतिहासिक की जो सही वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। महेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, महेश शब्द का पर्यायवाची इसमें श्रीपति जो है महेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भूतनाथ त्रिलोचन और पशुपति जो हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। सिर यहाँ पर एक दोस्तों कविता दी गई है, सिर घोट मोट कर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, इसको पढ़ते से ही एक हंसी वाला भाव जो है निकल के आता है दोस्तों, तो यहाँ पर हास्यरस हो जाएगा, हास्यरस हो जाएगा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं मैं विशेष्य है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विशेष स्वादिष्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे देखेंगे, अभिकरण कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पर ए आंसर होगा मैं और पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी में है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी पे है, मैंने लगभग बहुत सारे वीडियोस में इसको बताया दोस्तों, बार बार रिपीट क्वेश्चन है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है यहाँ पर, कृतज्ञ हो जाएगा बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऊधों का लेना नाम आधों का देना, लोकोक्ति का अर्थ है अपने काम से काम रखना, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, रामचरितमानस किसकी रचना है, तो रामचरितमानस यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, आंसर हो जाएगा ए।
आगे देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, माई ब्रदर इज फिलिंग द ब्लैंक HDO। कई बार मैंने वीडियो में इसको बताया हुआ है दोस्तों। तो एन आ जाएगा यहाँ पर, एन आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर आया है दोस्तों, आज का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आया है और ज़्यादा कठिन नहीं था दोस्तों। पेपर जो है मीडियम आया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 17 का, पिक द ऑड वर्ड आउट। तो ऑड क्या है यहाँ पर वो बताना है आपको, पिक्चर, पोर्ट्रेट और फोटो, जिससे सिमिलर वर्ड है दोस्तों, इमेज के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ फ्रेम जो है अलग है दोस्तों, यहाँ पर डी जो है डिफरेंट है, ऑड है यहाँ पर, ऑड वर्ड है यहाँ पर फ्रेम। आगे देखते हैं, गिव प्यूरल ऑफ W। तो यहाँ पर दोस्तों ट्यूबलेक्स हो जाएगा यहाँ पर, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 18 का बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रोवाइड एन एंटोनिम्स ऑफ चुगेन। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, 19 का सी आंसर होगा। अगला देखते हैं, विच वन इज अ प्रोपोजिशन। इनमें प्रोपोजिशन आपको ओल्ड, इनटू एंड स्टैंड में प्रोपोजिशन आपको बताना है। प्रोपोजिशन इसमें हो जाएगा दोस्तों इनटू हो जाएगा, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पर जो डी है दोस्तों वो मीनिंगफुल सेंटेंस है, यहाँ पर डी जो है मीनिंगफुल सेंटेंस है। आई विल बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ, यहाँ पर डी जो है मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर और देन यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है, बताना है, इनको अरेंज करना था दोस्तों, अरेंज करके जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आंसर हो जाएगा बी। गिव वन वर्ड, वन वर्ड यहाँ पर पूछा गया था। अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, तो वीड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आंसर हो जाएगा सी, खतपतवार बोलते हैं इसको, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, माइंस नो वर्ड्स मीनिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। मीना सेड जया इज डांसिंग, यहाँ सिर्फ नाम चेंज कर दिया है और रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, मीना सेड दैट जया वाज डांसिंग। 25 का जो है, 25th का जो है आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर सी है, अपॉर्चुनिटी, आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और वीडियो से, मेरे वीडियो से आपको जो है कितनी हेल्प मिली है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। यहाँ पर एक पेयर बनाना था, मैच करना था यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर दोस्तों डाउन का हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, और डस्क का हो जाएगा ट्वीलाइट हो जाएगा, और लुक इनटू का हो जाएगा इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, और एड्रिप्ट का हो जाएगा एमलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर यहाँ पर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा बी, आ जाएगा यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर आएगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर प्रतिभा अत्रे वाज अ लुमिनरी ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट्स करके मेरे को बताएं दोस्तों। आगे देखते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, प्रिजर्व का हो जाएगा प्रिजर्वेशन, आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, द बॉय कॉट अ बिग फिश, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस, पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, अ बिग फिश वाज कॉट बाय द बॉय, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर पर्यावरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं, वायुमंडल
कि इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश के अवशोषण करने के लिए जिम्मेदार है। तो समताप मंडल होता है दोस्तों, समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। आंसर हो जाएगा सी। खगोली विद्या का वर्णन किस वेद में किया जाता है? बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन से उसमें है दोस्तों? ऋग वेद में है, पहले भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है, कई बार मैंने वीडियो में भी बताया। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोटेक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है दोस्तों। डी यहां पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत तंतु का स्रोत नहीं है? लाइलॉन जो है प्राकृतिक नहीं है, कपास, पटसन, रेशम प्राकृतिक है, लाइलॉन जो है प्राकृतिक नहीं है। आगे देखते हैं, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? लाइफ लाइन ऑफ MP। कौन सी नदी है दोस्तों? वो है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है। बी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, मैंने क्वेश्चन अभी जो वीडियो बनाया उसमें इसको बताया भी था दोस्तों। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व विस्मय रसायन, इनमें से कौन सा तत्व विस्मय व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो तेल है दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थ जो है, ऑयल जो है, तेल जो है, वो सबसे बड़ा व्यावसायिक ऊर्जा खपत का स्रोत है दोस्तों। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भूमि पृथ्वी की सतह से कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत कवर करती है? तो 30% आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान, कई बार मैंने वीडियो में इसको बताया भी, सहारा है दोस्तों, और हमारे भारत का थार है, सहारा जो है सबसे बड़ा है विश्व में। आगे देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, तो मार्च के महीने में, आंसर हो जाएगा ए। कौन सी औषधि चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? तो इनमें पाया जाता है दोस्तों कैफीन, पाया जाता है कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है, किसमें? चाय में और कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैविक है? अभी जो मैंने वीडियो बनाया था कल परसों, उसमें ये वाला क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन शामिल था उसमें। तो जैविक है, इसमें पौधे हैं, भूमि, पानी, मिट्टी अजैविक है, पौधे जो हैं जैविक हैं, ये आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कई वीडियो में मैंने इसको बताया दोस्तों, बहुत सारे वीडियो जब मैंने बनाए हैं राष्ट्रीय उद्यान की जब बात आई है तो इसको ज़रूर मैंने रिपीट किया है। तो कान्हा हो जाएगा दोस्तों, जो कि मंडला ज़िले में है, कान्हा किसली, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा, कई बार इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया है, 0.03%। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है? लकड़ी, एल्यूमिनियम, जैविक पदार्थों को नहीं कर सकते हैं कई बार, लेकिन प्लास्टिक को रिसाइकल करके विभिन्न दूसरे पदार्थ जो हैं आइटम बना दिए जाते हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करके, तो बी यहां पर आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष में वन्य संरक्षण अधिनियम संशोधित किया गया? 1980 में बनाया गया था, लेकिन हम यहाँ संशोधन की बात किया है तो 1988 में इसको संशोधित किया गया था, बी यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एकलव अवार्ड खेल पुरस्कार कौन से राज्य का है? इसको भी मैंने कई बार बताया दोस्तों, तो यहां पर मध्य प्रदेश का है, हमारे MP का है। बधाई क्या है? बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, इस क्वेश्चन को भी कई बार मैंने बताया दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, और यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है तो 2.7% है भारत का क्षेत्रफल विश्व में, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश है दोस्तों, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जो है भारत से ज़्यादा है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है, आंसर हो जाएगा सी यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन, इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया है दोस्तों, जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने इसको भी बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कल ही मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था मास्टर वीडियो, उसमें इस ये वाला क्वेश्चन शामिल था, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है नियुक्ति, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? तो उराव जनजाति का है दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता
किस शहर को है? तो ग्वालियर को है, ग्वालियर को कहा जाता है दोस्तों, सिटी ऑफ म्यूजिक, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ स्थित है? तो मदन महल दोस्तों जबलपुर में मिलेगा आपको, जबलपुर में स्थित है मदन महल, जबलपुर में है, आंसर हो जाएगा सी। जली ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? जली ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी, पृथ्वी जाना जाता है दोस्तों, जली ग्रह के नाम से पृथ्वी जाना जाता है। इसरो का पूरा नाम है, इसको भी मैंने बताया दोस्तों, इसरो वाला जो क्वेश्चन, इसको भी मैंने बताया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, मनी का बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनी का बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो मैकमिलन ने किया है दोस्तों साइकिल का आविष्कार, आंसर हो जाएगा ए। रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? अवंतीबाई को, यह क्वेश्चन भी मैंने बताया दोस्तों, यदि आपने जिसने भी वीडियो देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, अवंतीबाई को, रामगढ़ की, रामगढ़ जो मंडला के पास है दोस्तों, वहाँ की रानी हैं थी अवंतीबाई, और इन्हीं की जो अंगरक्षी का थी वो गिरधारी बाई थी, जो कि सी नंबर पे आंसर इसमें दिया है ना, गिरधारी बाई वो अवंतीबाई की अंगरक्षी का थी, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो स्टील, हीरा, पत्थर, ग्रेफाइट में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। आगे देखते हैं, जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? हाइड्रोजन गैस बनती है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। विद्युत परिपथ में विभवांतर किनके कारण उत्पन्न होता है? तो सेल और बैटरी की वजह से होता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे देखते हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं इस धातु को छोड़ करके, पारा जो है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, पारा जो धातु होती है दोस्तों वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं जो है ठोस होती हैं, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, कपड़ा कुचालक होते हैं, तांबा जो है दोस्तों वो सुचालक होता है, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? जल स्रोतों का संरक्षण, भूमि संरक्षण, भूमि क्षण का संरक्षण, जंगली जानवरों का संरक्षण, जंगलों का संरक्षण, तो जंगलों का संरक्षण आ जाएगा दोस्तों, फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बी यहाँ पर डी आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, तारामंडल और धूमकेतु परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उपग्रह जो है वो सौर परिवार के सदस्य नहीं हैं, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मीथेन होता है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्वनि किसके माध्यम से संचरण कर सकती हैं? तो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जो है संचरण कर सकती हैं ध्वनि, डी यहाँ पर आंसर होगा। आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति की जो इकाई होती है यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज होती है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। सात रंगों का बैंड कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता, वर्णक्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, आंसर हो जाएगा बी। एड्स बीमारी होती है, एड्स जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है, युग्मज होता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर आई थिंक जो आंसर होना चाहिए वो रासायनिक प्रभाव होना चाहिए, विद्युत का रासायनिक प्रभाव सी होना चाहिए, यदि इसमें थोड़ा सा आपको मिले तो फिर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो जुताई कहलाती है, कल्टीवेशन जो होता है वो होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है 25 सेंटीमीटर, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर मादा एनिफिलीज मच्छर आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश के कोण पर है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण यहाँ आधा हो जाएगा दोस्तों, 45 अंश हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला जो ग्रह है दोस्तों वो है शुक्र है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जो कवर किया है, यहाँ पर 80 क्वेश्चन कवर किया, 1 से लेकर 80 तक मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर बता दिया। यदि इसमें किसी में यदि आपको डाउट लगता तो कमेंट्स करके मेरे को बताएं दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कितने नंबर इस पर प्राप्त हो रहे हैं, कितने नंबर आपको मिल रहे हैं वो कमेंट्स करके बताएं। साथ ही जो है मेरे वीडियो देखने से आपको कितनी हेल्प मिली है वो भी आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाए थे तो लगभग दोस्तों इसमें 70 के आसपास जो है क्वेश्चन आपको आए हैं दोस्तों, इसमें जो मैंने पढ़ाया है वीडियो के माध्यम से लगभग 70-75 क्वेश्चन जो है इसमें आपको कवर हुए हैं दोस्तों। तो बहुत ही हेल्प आपको मिली है मेरे वीडियो से, और दोस्तों मेरी वीडियो को जिसने देखा है तो उसको बहुत ज़्यादा इसमें सिलेक्शन में हेल्प होने वाली है दोस्तों। और अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मैथ्स का, तो बस वो थोड़ी तो दूसरा सॉल्व पेपर दोस्तों मैं अभी बनाने वाला हूँ मैथ्स का, वो भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 81 से लेकर के 100 तक जो है अभी आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।